सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और काम पे जाने से पहले मुझे घर के लिए पानी की 2-4 बाल्टियाँ लेके आनी हैं और आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ना, ये धारे के पास में ये पहिए के पेड़ पर नई नई कोपले आई हुई हैं। आजकल देखिए इस पर एक ही दिन में इतने फूल आ गए हैं, क्या गजब का दिखाई दे रहा है पूरा पेड़। और जैसे ऊपर पेड़ पे कुछ चिड़ियाँ रहती है ना, तो ऐसे लगता है कि फूलों की बारिश हो रही है। तो यहाँ पे नीचे फूल गिरे हुए हैं, मस्त से दिखाई दे रहे हैं। वाह, गजब गजब गजब। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ काम पे जाने की। और यहाँ पे देखिए एक करेले का झालर इतना लंबा सा, और ये जो पेड़ है ना आरू का माल्टे का, इन सब पूरे करेले के झालर ने ढक रखा है इनको। तो करेले तो ठीक ठाक लगे हमारे इस साल, बाकी इन करेलों को ना हम मतलब बीज निकाल के अगले साल के लिए भी रखेंगे। वो काले बीज होते हैं ना, वो अगले साल बोने के काम आएंगे। अरे वाह, यहाँ पे रखे हुए हैं करेले। ये देखिए फुल टॉप रिवर के करेले, इतने बड़े बड़े। चाहिए आपको ये भिजवा देंगे, लेकिन इतनी दूर से कैसे आइए, सड़ जाएंगे रास्ते में। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना बाहर के कि हमको भिजवाइए वहाँ की चीज़ें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, रास्ते में ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ से ना तो कुरियर सर्विस है, पोस्ट ऑफिस हो, तो 10-15 दिन लग जाएंगे। सुबह के टाइम लगता है कि सामने वाली जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पे जिनके घर हैं वो कितने खुश नसीब हैं, उनको धूप जल्दी मिल जाती है सुबह को। हमारे यहाँ तो धूप काफ़ी लेट से आती है, पर जब शाम के टाइम पर वहाँ जल्दी सनसेट हो जाता है, यहाँ लेट तक धूप रहती है, तब लगता है कि हम ही अच्छे हैं। और यहाँ घर के रास्ते में देखिए आजकल बिल्कुल गीला गीला सा हो रखा है, यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। फिर से वही ज़रा अखोटिना की धार में धूप सेकते हैं और सामने की नज़ारों को एंजॉय करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ गिरिया मनसुना साइड आके थोड़ा सा राहत मिलती है ठंड से, क्योंकि यहाँ धूप जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पे ये बाढ़ करी हुई है, क्योंकि यहाँ गाय बैल जा रहे हैं लोगों के, अंदर जाएंगे तो वहाँ नुकसान भी कर सकते हैं। बाकी इस वाली दीवार पर अभी पेंट होना बाकी है, जो सफ़ेद सफ़ेद खाने छूटे हुए हैं इन पर पूरा सफ़ेद ही पेंट लग गया। बाकी जो ये लकीरें हैं ना गहरी गहरी, इनमें यही वाला पेंट रहेगा, तो पेंट कंप्लीट होने के बाद सही लगेगा ये। बाकी कल का जो काम था वो कुछ ऐसा था जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और इधर अपने रूम में इतना काम हुआ है, ये देखिए। अब शाम के टाइम पे थोड़ा लाइट कम हो जाती है, तो फ़ोन से वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। बाकी सुबह के टाइम पे तो प्रॉपर लाइट है, तो अच्छे से दिखाई देता है। अभी पेंटर भाई तो आया नहीं, देखते हैं गाड़ी मिली होगी तो टाइम से भी आ जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा लेट तो हो ही जाएगी। पिछले 6 महीने से जब से मैंने यूट्यूब फुल टाइम करा है, मैं डेली यहीं पर आता हूँ, काम करता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ। पर अब अजीब सा हो रहा है, इतना काम 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 काम, क्या बोलें। अब जल्दी से निपट जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए जी, पेंटर भाई भी आ चुका है और आज के काम पे भी लग चुके हैं। बाकी आज काम हो रहा है मेरे रूम में, गोल्डन वाला पेंट आज कंप्लीट हो जाएगा। ये बीच वाला फूल है इस पर तो कल कर दिया था, बाकी कोने पे बचा हुआ है, यहाँ से ये रेड वाला हो चुका है। इसका यूट्यूब के लोगों पे दूसरा कोट चढ़ाएंगे, रेड वाला और वाइट वाला जो भी होगा तो वो और चमक के आएगा। अभी है छोटी छोटी चीज़ों पर सफाई वाला काम, और खिड़की दरवाज़ों पर भी अभी पेंट का काम बाकी है, इन पर अभी कांच लगाना भी बाकी है। तो आज यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जो अंदर पीओपी वाले डिज़ाइन के बीच में पेंट लगना है उसको बनाने की, और यह है वाइट पेंट। इसमें कुछ कलर मिलाएंगे जिस टाइप का हमको चाहिए, तो यहाँ पे अभी हम ट्रायल कर रहे हैं कि कौन सा कलर बेस्ट रहेगा। तो अभी पेंटर भाई मेरे को दिखा रहा है कि कौन सा कलर कैसा बनेगा, किस टाइप से बनेगा। तो ये यहाँ पर बन चुका है हमारा वॉयलेट वाला कलर, तो इसको लगाएंगे ऊपर छत पर। और यहाँ नीचे गाँव की महिलाएँ लगी हैं आजकल नियार की कटाई करने पर और उसको घर ले जाने पर। और यहाँ पे पेंटर भाई लगा हुआ है पेंट बनाने पे। एक कलर तो हमारा चूज हो गया है, ये वॉयलेट कलर, और एक इसमें अभी धानी कलर बना रहे हैं, तो बनने के बाद दिखाते हैं आपको कैसा बना है। यहाँ पे हमारा इसमें ट्रायल चल रहा था कि कौन सा कलर कैसे बनेगा, एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा था हमारा। वैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो हमने नेट पर POP के डिज़ाइन का कलर देख लिया है और वहाँ पर जो पसंद आ रहा है उसको बना रहे हैं अभी, उस कलर को बना रहे हैं। क्योंकि बनाते टाइम तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जब लग जाएगा उसके बाद पसंद ना आए तब थोड़ा अजीब सा लगता है, तो पहले ही देखा रहेगा कि हाँ भाई ये ऐसा लगेगा, तो अच्छा रहता है।
तो ये दो कलर बन चुके हैं, एक धानी और एक वायलेट कलर। तो आप पहले बीच वाले रूम में लगा देते हैं जो पेंट हमने अभी बनाया है। तो इस पे भी एक कोट ये धानी कलर का कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा कोट भी लगाएंगे थोड़ी देर में जब सूख जाएगा ये अच्छे तरीके से। और इस दूसरे वाले रूम में दो कलर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ तो लाइट भी है तो लाइट चला लेते हैं, तो देखते हैं कैसा बनता है यहाँ भी। हम लगे हैं यहाँ पे काम पे, और यहाँ पे काम देखने के लिए आए हैं छोटे छोटे स्कूली बच्चे। ये देखिए जो दो बहनें आई थी उनकी सब छोटी वाली बहनें हैं। हेलो बोलो कैमरे में। तो लंच का टाइम हो चुका है, और जो अंदर कमरों में जो पेंट हमने अभी बनाया था वो भी लग रहा है, प्रोसेस जारी है। देखते हैं लगने के बाद कैसा दिखता है। तो अब चलते हैं घर की ओर, और थोड़ी देर में फिर वापसी आना है। हम घर पहुंचने ही वाले थे तो यहाँ पे मिले अपने फैमिली मेम्बर्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुणाल चोपड़ा है। अच्छा, मेरा गौरव सिंह नेगी। पौड़ी से हैं दोनों भाई? हाँ जी, मैं पौड़ी से, ये मैं मेरठ से। अच्छा, मध महेश्वर धाम जा रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा ये वाला एरिया देखिए? बहुत अच्छा लगा। ब्लॉग्स वगैरह में हम देखते रहते हैं आपको, पूरी फैमिली हमेशा देखती रहती है, सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं और शाम तक चलते रहते हैं। तो मेरी मम्मी ने तो स्पेशली बोला था कि जहाँ जा रहे हो वहाँ पहुँच तो जाओगे वो ठीक है, लेकिन रस्ते में मतलब आपसे मिलके, पहाड़ी बाइकर से मिलके जरूर जाना। और दीदी का भी ब्लॉग देखते हैं, प्रियंका दीदी का, और आपकी जो बहन है छोटी उनका भी देखते हैं। हाँ जी, काफी मजा आता है। ऐसा छंद आया कि हम घर आ रहे थे, अचानक से मिल गए रास्ते में, मैं बोला कौन रुका रहे, फिर लग गया था हमको कि कोई हमारी वीडियो देखने वाले हैं। और दोनों भाइयों का चैनल भी है, तो चैनल के बारे में भी बता दीजिए अपने। चैनल का नाम है ट्रैवल चीता, अभी रिसेंटली शुरू करा है, मतलब अभी बिगनर्स ही, ऐसा कुछ अच्छा। भाई की तरह तो देखने का नहीं मिलेगा। ना, पर कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, भाई और... लोगों से इंस्पिरेशन मिलती रहती है तो थोड़ा सीख रहे हैं, कर रहे हैं। थैंक यू। बस आप चेक कर लीजिए इनका चैनल कि कैसा है, क्या है, सजेशन दीजिए क्या अच्छा कर सकते हैं। बाकी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए और आपकी यात्रा के लिए। थैंक यू भैया। तो अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर उसके बाद हम भी निकलते हैं अपने घर की ओर। जब कोई अपने YouTube फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत बातें करते हैं हम और बताते हैं। जैसे वो यहाँ आए तो मैंने बताया कि ऊपर भी चले जाना बूढ़ा मंदवेश्वर, क्योंकि वहाँ से जो नज़ारे दिखेंगे ना गजब के। और कुछ दिनों में शायद मैं भी जा सकता हूँ, शायद, अभी कुछ भी प्लानिंग नहीं है क्योंकि आजकल घर का काम काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं, कोशिश पूरी करेंगे। तो अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे हम आ चुके हैं नए वाले घर पे। यहाँ पे भी काम ये है, ये प्लास्टिक वाला पाइप है, इसको दबाना है मिट्टी के अंदर, क्योंकि अब ये पाले में बाहर रहेगा तो फिर टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी ये पेंट हो चुका है, कुछ ऐसा कलर अभी, और अंदर कमरे में कुछ ऐसा। और इस दूसरे रूम में देखते हैं कैसा हुआ है। तो यहाँ तो ये वाला कलर लगा है, बाकी अगले रूम में चलते हैं वहाँ क्या चल रहा है। यहाँ ये वाला कलर, आज का काम भी निपट चुका है। और अभी मुझे उखीमठ जाना है राहुल भाई के साथ, उनको छोड़ने के लिए भी चला जाऊंगा, साथ ही मुझे वहां से कुछ सामान भी लेना है। और वहां पे अगर कारपेंटर मिलेंगे तो उनसे भी बात करनी है कि किचन में काम कराना है, रूम में काम कराना है, अगर रेट मुझे सही लगे और मैं अफोर्ड कर पाया तो काम करवाएंगे। देखते हैं, अभी काम बहुत सारा बाकी है। और शाम के टाइम पे चौखंबा पर्वत का नज़ारा तो कुछ अलग ही रहता है, बिल्कुल मतलब जैसे सोने के पहाड़ होंगे।